नमस्कार, आपको बता दें कि रकाबगंज रोड पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में उपकार बावरा और उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आनंद कुमार बसपा उपाध्यक्ष, आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर, रामजी गौतम राज्यसभा सांसद बसपा, सीपी सिंह दिल्ली प्रभारी बसपा के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पांचवीं बार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शपथ ली। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में उपरोक्त बसपा के शीर्ष नेतृत्व ने उपकार बावरा व पूरी टीम को पटका पहनाकर बहुजन समाज पार्टी में बड़ी धूमधाम से शामिल किया। उपकार बावरा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, जब से भाजपा सरकार आई है तब से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का जीना दूभर कर दिया है, इसलिए प्रदेश में बहन जी की सरकार बनानी है ताकि सभी लोग मान और सम्मान के साथ मिलजुल कर रहे। आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। उपकार बावरा जी ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, लगातार जो बसपा का कुर्मा बढ़ता ही चला जा रहा है, क्या लगता है कि इस बार पांचवी बार बहन जी बैक कर रही है? बिल्कुल 100% बहन कुमारी पांचवी बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने जा रही है और नौजवानों में जोश आपको देखने को मिल रहा है। जो लोग भटके हुए थे वो सीधे बहन जी के संपर्क में आए हैं, आकाश आनंद जी के संपर्क में आए, आनंद भाई साहब के संपर्क में आए और हमारा जो नेशनल मतलब जो एलजीपी के मेंबर्स हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं रामजी गौतम जी, उनके नेतृत्व में लोगों ने आज इधर पार्टी ज्वाइन किया है। तो इस तरह के बहुत नौजवान हैं जो मतलब और आने के लिए तैयार हैं। तो इससे लगता है कि जब नौजवान बढ़ जाता है तो समझ लेना कि उस काम को कोई रोक नहीं पाए। इस बार लगता है उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से नौजवान चाह रहा है कि बहन जी सत्ता में आए, क्योंकि लोगों के ऊपर जो अत्याचार जोर जुर्म हो रही है, तो क्या लगता है कि जो ये आंधी है ये मुकाम तक पहुँचेगी अपने? बिल्कुल 100% पहुँचेगी और जितना न्याय अत्याचार बढ़ेगा उतना ही हमारे लोग मतलब इस मूवमेंट से जुड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के चार बार के शासनकाल को देखा है। वहाँ पर उनको जितनी सुरक्षा मिली, सुविधाएँ मिली, जो नौकरियाँ मिली, रोजगार मिला, जो वहाँ का डेवलपमेंट मिला, वो मतलब इस देश के 75 साल की राजनीति में किसी मतलब मुख्यमंत्री ने तक नहीं किया। जितना काम बहन कुमारी मायावती ने अपने 4.5 महीने के शासनकाल में, 6 महीने, 15 महीने और 5 साल की अच्छी मेजोरिटी की सरकार में जो काम करके दिखाया, वो बहुत प्रोग्राम उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाया। मैं जनपद मुजफ्फरनगर से हूँ, मेरा नाम चौकीन है। रीजन आज हमें लगा, आज बहुजन योद्धा और मान्यवर बड़े भाई उपकार बावरा जी आए हैं यहाँ पे, तो हम उनके साथ में आए, बड़ा अच्छा लगा है आकर के। तो आपने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है? भारत के SC ST ओबीसी माइनॉरिटी का जो लोग है उन्हें सदस्यता ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो उसके सदस्य कहलाए जाते हैं। इसमें एक समाज है, मूलभूत अधिकार से जो समाज है जिसको कहा जाता है लोग समाज, उस समाज के साथ लोग थप्पा लगा रहता है, तो वो तो देश की पूछने की जरूरत ही नहीं, वो तो जन्म से ही देश की है। तो क्या लगता है कि प्रदेश में जो है पांचवी बार बहन जी मुख्यमंत्री के पद के दावेदार बनेंगी? उम्मीद करते हैं, क्योंकि इनके साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं और सभी की उम्मीद है। जैसे 2007 देखा है लोगों ने, 2007 में बहुजन समाज पार्टी के कितना कार्यकाल में कितना काम हुआ है, इतना काम हुआ है अभी तक के 10 वर्ष गुजरने को हो रहे हैं, 2012 से तक 22 का चुनाव आने को हो रहा है, लेकिन इतना काम किसी के भी सरकार में नहीं आया, चाहे वो समाजवादी रही हो, BJP रही हो, किसान विरोधी सरकारें हैं, तरह तरह के एजेंडे चल रहे हैं, बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं प्रदेश उत्तर प्रदेश जान से काम कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी का एक एक सिपाही जी जान से काम कर रहा है। पांचवीं बार उम्मीद करते हैं कि यकीन के साथ कहना पड़ रहा है कि पांचवीं बार बैक कर रही है बहुजन समाज पार्टी। परिवार है हमारा, घर है, बड़े हो गए हैं तो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अपने घर की। उद्देश्य ये है कि बहन जी को पांचवीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, तो ये बहुत जरूरी था। हमने बसपा की सदस्यता होती है प्राथमिक सदस्यता, वो हमने ग्रहण कर ली। मेरा मानना ये है कि पद लेकर के आदमी जो है बंदिशों में आ जाते हैं, कि हमें बंदिशों में नहीं आना चाहिए, हमें स्वतंत्र रूप से काम करना है। और एक सामाजिक कार्यकर्ता या फिर एक छोटा कार्यकर्ता होता है वो स्वतंत्र रूप से काम करता है। बसपा की जो आइडियोलॉजी है बहुजनों को लेकर के आगे बढ़ने की आइडियोलॉजी है, बुद्ध का, रैदास का, फुले साहब का, साहूजी महाराज का, इनका जो मूवमेंट, अम्बेडकर साहब का जो मूवमेंट है, साहब काशीराम जी का जो मूवमेंट, तो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है। तो बसपा का जो मूवमेंट है वो महापुरुषों की विचारधारा है, हमारे बाबा साहब के देन है। जब से होश संभाला तब से हम लोग BSP के लिए काम कर रहे हैं, BSP के झंडे के नीचे काम कर रहे हैं और BSP को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि भाई अब चुनाव आए हैं तो उपकार बावरा आ गया भैया कहीं से, वो समाज जैसा निर्धारित करेगा वो वैसा होगा, बहन जी जैसा निर्धारित करेंगी वो वैसा होगा। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।